माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है एक कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोनर वर्सेस रोज वाटर के बारे में। तो जानेंगे कि टोनर और रोज वाटर में क्या कोई एक्चुअल में डिफरेंस है या नहीं है, किन लोगों को टोनर का यूज करना चाहिए, किन लोगों को रोज वाटर का यूज करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट का यूज करने से हमारी स्किन को क्या क्या होते हैं बेनिफिट्स। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टोनर के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें टोनर का यूज जरूर करना चाहिए, इसका यूज करने से हमारी स्किन को काफी ज्यादा होते हैं बेनिफिट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है टोनर और ये हमारी स्किन के लिए क्या रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बता दूं कि टोनर का काम होता है आपकी स्किन को डीपली क्लीन करना, आपकी स्किन के सारे डर्ट को, सारे ऑयल को अच्छी तरह से रिमूव करता है टोनर, जो कि कई बार फेस वॉश के साथ भी फेस को क्लीन करने के बाद जो आपकी स्किन है कई बार अच्छे से क्लीन नहीं होती, फिर भी आपकी स्किन पे ऑयल और डर्ट कई बार रह जाता है। पर जब अगर आप टोनर का यूज करते हो फेस वॉश को यूज करने के बाद भी, तो ये आपकी स्किन को 100% कर देता है, क्लीन कर देता है, आपके पोर्स को भी क्लीन कर देता है टोनर, और जो भी आपकी स्किन में डर्ट होता है उसको भी अच्छी तरह से रिमूव कर देता है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है। क्योंकि ऑयली स्किन वालों को फेस वॉश का यूज करने के बाद भी उनको यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो स्किन का एक्सेस ऑयल होता है वो नहीं जाता, पर टोनर वहां पे उनके लिए एक मिरेकल का काम करता है, क्योंकि टोनर उनकी स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल की प्रॉब्लम होती है उसको अच्छी तरह से कर देता है रिमूव। तो ये तो हुआ टोनर का काम, मेजर रोल टोनर का ये है आपके फेस के डर्ट को, एक्स्ट्रा ऑयल को डीप क्लीन करना। तो अब हम बात करते हैं कि टोनर को अप्लाई करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो फर्स्ट मेजर बेनिफिट तो आपको पता लग गया कि ये हमारी स्किन को डीपली करता है, क्लीन करता है। सेकेंड इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। थर्ड इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपके जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको काफी ज्यादा ये मिनिमाइज कर देता है टोनर। तो जिन लोगों को काफी ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको डेफिनेटली टोनर का यूज करना चाहिए, और ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन भी करता है, जिसके कारण आपको बाद में एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए कहते हैं जिन लोगों को काफी ज्यादा एक्ने पिंपल होते रहते हैं उनको अपने फेस की टोनिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। और इसका लास्ट मेजर बेनिफिट ये है कि ये आपके डेड स्किन स्कैल्प को भी करता है अच्छी तरह से रिमूव। तो ये है टोनर को यूज करने से इतने सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं, जिससे जो हमारी स्किन है उसको टोनर अच्छी तरह से क्लीन करता है और क्लियर भी। तो बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं, कुछ लोग टोनर का यूज करते हैं। तो अब मैं शेयर करूंगी इन दोनों प्रोडक्ट में आखिर में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि जो ये टोनर होते हैं वो होते हैं अल्कोहल फ्री होते हैं टोनर, पर जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं इनमें अल्कोहल का, नेचुरली अल्कोहल का यूज किया जाता है। और जो ये एस्ट्रिंजेंट होते हैं ये उन लोगों को काफी ज्यादा सूट करते हैं जिन लोगों की स्किन एक्ने प्रॉन है, जिन लोगों की स्किन को काफी ज्यादा ऑयल की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को टोनर की बजाय ये एस्ट्रिंजेंट का यूज करना चाहिए, इससे अपने फेस को करना चाहिए अच्छे से क्लीन। बट जो टोनर होता है वो ड्राई स्किन वालों को, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, सेंसिटिव स्किन वालों को ही टोनर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये होता है अल्कोहल फ्री होता है टोनर, तो उन लोगों को ही टोनर सूट करता है। बट जिन लोगों की स्किन काफी ऑयली और एक्ने प्रॉन रहती है उन लोगों को ये एस्ट्रिंजेंट का ही यूज करना चाहिए। इसका भी काम यही होता है, ये भी आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, आपकी स्किन के डर्ट को अच्छी तरह से रिमूव करता है, डेड स्किन सेल को भी रिमूव करता है, और जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को उनको भी करता है मिनिमाइज। तो ये है ओवरऑल डिफरेंस। तो ये सूट करता है ऑयली स्किन और एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए, बट ये सूट करता है ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनको भूल के भी ये एस्ट्रिंजेंट का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसका यूज अपनी स्किन पे कर लोगे तो आपकी स्किन को काफी ज्यादा इचीनेस और इरिटेटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट ये ऑयली नॉर्मल स्किन वालों को ही सूट करता है और ये सूट करता है सेंसिटिव स्किन वालों। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपको कौन सा टोनर परचेज करना चाहिए। तो आपने जब भी मार्केट जाना है, जब भी टोनर को परचेज करना है, तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक कर लेना है और देखना है कि हमारी स्किन को कौन सा टोनर करेगा सूट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो आपने वही टोनर को परचेज करना है जिसमें विटामिन ई का यूज किया गया हो। तो अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो आपने उस टोनर को परचेज करना है जिसमें एलोवेरा का भी यूज किया गया हो। तो अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा डल हो चुकी है, आप इसको ब्राइटन बनाना
लगाना चाहते हो तो आपने चेक करना है कि उस टोनर में सिट्रस एक्सट्रैक्ट का, कुकम्बर का यूज किया गया, क्योंकि ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटर भी बनाते हैं। तो मैं अक्सर यूज करती हूँ ये हिमालय टोनर का। तो इसकी खास बात ये है कि ये है एक अल्कोहल फ्री टोनर, इसमें अल्कोहल का यूज नहीं किया गया और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया, इसमें भी सिट्रस का यूज किया गया है जो आपकी स्किन को और ज्यादा ब्राइटर बनाता है। तो मेरा एक और टोनर है जिसमें जो हर किसी की स्किन को करता है सूट, क्योंकि इसमें विटामिन ई का भी यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है एलोवेरा का भी यूज किया गया, इसमें कुकम्बर का भी यूज किया गया, मिंट का भी यूज किया गया और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का भी यूज किया गया। मींस ये हर किसी की स्किन को सूट करता है ये टोनर। तो ये है लास्ट नेचुरल का टोनर जो सभी स्किन टाइप वाले इस टोनर का यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को कर सकते हैं इस टोनर की हेल्प के साथ अच्छी तरह से क्लीन। तो आपने जब भी टोनर को परचेज करना है तो सबसे पहले जरूर उसके इंग्रेडिएंट्स को करें चेक, देन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको टोनर करना चाहिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि फेस पे टोनर को अप्लाई करने का राइट मेथड क्या होता है। सो प्लीज करा इसकी। सो टोनर अप्लाई करने का सही मेथड ये है कि आपने कॉटन बोल के ऊपर इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल लेनी है और उसी कॉटन बोल को अपने फेस पे कर देना है स्वाइप। इससे आपके फेस का सारा डर्ट और जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। याद रखें आपने बार बार नहीं कि बार बार ही आप ड्रॉप्स डाली जाओ कॉटन के ऊपर, जस्ट एक ही बार कॉटन बॉल के ऊपर ड्रॉप्स डाल के अपने फेस को कर लेना है अच्छी तरह से क्लीन। हम बात करेंगे रोज वाटर के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी परचेज करने जाते हो आपसे अक्सर यही पूछा जाता है कि आपको नॉर्मल रोज वाटर चाहिए कि रोज वाटर टोनर चाहिए। तो उस टाइम पे यही डाउट हो जाता है कि ये रोज वाटर और रोज वाटर टोनर में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि जो रोज वाटर टोनर होता है वो आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को दूर करता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी स्किन के जो भी डेड स्किन सेल होते हैं उसको रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। और जो रोज वाटर टोनर है उन लोगों को ही सूट करता है जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा होती है सेंसिटिव, जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा रेड हो जाती है उन लोगों को रोज वाटर टोनर का यूज करना चाहिए। और जो नॉर्मल रोज वाटर होता है उसमें 100% रोजेस का ही यूज किया जाता है। आप कह सकते हो वो होता है प्योर रोज वाटर जिसका यूज आप डायरेक्ट अपनी स्किन पे कर सकते हो। वो जो नॉर्मल रोज वाटर होता है वो आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करता है, उसको आप किसी भी फेस पैक में मिक्स करके यूज कर सकते हो, डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। और मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आपको सनबर्न भी हो गया, अगर आप बाहर धूप से आए हो और आपको लग रहा है कि आपकी स्किन काफी ज्यादा आपकी स्किन पे आपको जलन सी हो रही है तो आपने डायरेक्ट रोज वाटर को अपने फेस पे कर लेना है अप्लाई। तो इमीडिएटली आपकी स्किन के लिए एक ठंडक का काम करेगा रोज वाटर। तो यही मेजर डिफरेंस है रोज वाटर और रोज वाटर टोनर में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जब भी परचेज करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपने नॉर्मल रोज वाटर लेना है कि रोज वाटर टोनर परचेज। तो देखा हमने ये था मेजर डिफरेंस प्योर रोज वाटर में और टोनर में। तो आपने जब भी टोनर को परचेज करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही परचेज करना है और जो प्योर रोज वाटर होता है वो हर किसी की स्किन को करता है सूट। एंड आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपका रोज वाटर को लेके, एस्ट्रिंजेंट को लेके और टोनर को लेके हो गया होगा डाउट क्लियर। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो और पा सकते हो क्लीन एंड क्लियर स्किन। और ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। देन प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।